नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी। पिछली बार आपने बताया था कि ऋषि अगस्त ने राम जी को पंचवटी जाने के लिए कहा था, तो पंचवटी जाने के मार्ग में उन्हें कोई मिला था? हाँ, पंचवटी काफी दूरी थी जहाँ वो लोग थे। आज के लगभग नासिक के आसपास का क्षेत्र है वो। वहाँ जब लगभग पहुँचने वाले थे तो उन्हें एक गिद्ध मिला जी। और गिद्ध ने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं जटायु हूँ और ऐसे ऐसे मेरी वंशावली है और मैं तुम्हें पहचान गया जी। और राम से कहा, राम लक्ष्मण से, कि तुम मुझे अपने पिता का मित्र समझो। तो राम को बड़ी उत्सुकता हुई जी। राम ने फिर उनसे सारी बात समझी कि कैसे मित्रता हुई जी। पुरानी बातें अपने पिता की सब बातें करते रहे जी। जटायु ने उन्हें कहा कि तुम यहाँ अकेले रहने आए हो जी। तुम लोग जहाँ भी कुटिया बना के रहोगे जी। जब भी तुम दोनों भाई कहीं बाहर किसी काम से जाओगे जी। तो मैं तुम्हारी पत्नी सीता की सुरक्षा करूंगा और ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो इससे दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, ये खुद होके हमारे पिता का मित्र भी मिल गया और पिता के मित्र ने ऐसा दिया, तो उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्हें गले लगाया जटायु को और कहा कि हम आभारी हैं आपके कि आप हमारा इतना ध्यान कर रहे हैं, और इस तरह करके वे आगे बढ़े। अब यहाँ पे पंचवटी में तो किसी ऋषि या मुनि के आश्रम में नहीं रुकने वाले थे, तो उन्होंने खुद अपनी कुटिया बनाई होगी और वहाँ पे फिर सुखपूर्वक रहने लगे होंगे वो। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर आ गया था जी। पिछले लगभग जो 10-11 वर्ष वन में गुजारे थे उन्होंने जी। वे हमेशा ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहते आए थे जी। और वे जिस भी क्षेत्र में अभी तक रहे थे वहाँ राक्षस उतने नहीं थे, कभी कभार आते थे पर राक्षसों को उतना आतंक नहीं था जी। अब ऋषि अगस्त ने जी। कुछ सोच के उनके मन में दृष्टि थी, उनकी समझ रहे थे कि जो राम को काम करना है जी। वे सोच के ऐसे स्थान भेजा जहाँ पर कि कोई ऋषि मुनियों के आश्रम नहीं थे जी। अब यहाँ आके इन्होंने बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ किया। स्थान कौन से स्थान पे बनाया जाए, स्थान ढूंढना, फिर अपनी कुटिया बनाना, उसकी सुरक्षा का ध्यान करना, सब कुछ उन्होंने किया और क्या अपना रहने का इन्होंने इंतज़ाम कर लिया। जहाँ जो रहने का इंतज़ाम किया अपना रहने लगे और फिर कुछ काफ़ी समय सुख से रहे। वहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि भी आके इनसे मिलते रहते थे, इनको क्योंकि ऋषि मुनियों की इनमें बहुत उनके प्रति सम्मान था जी। ये भाव था कि ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं जी। तो आते रहते थे, मिलते रहते, इस तरह इनका जीवन एक बड़े सुख और आनंद से गुजर रहा था जी। अब यहाँ सुखपूर्वक जी रहे थे, रह रहे थे ये लोग, तो कुछ घटना हुई जैसे पहले होते? हमने देखा आया है कि कभी कोई विराट जैसे राक्षस का सामना करना पड़ा था, या इस तरह से कुछ इनको घटना घटी इनके साथ में? अब घटना घटी लेकिन अलग प्रकार की घटना थी। एक दिन की बात है, राम लक्ष्मण बैठे थे जी। अपनी कुटिया में बड़े आनंद से बैठे बातचीत कर रहे थे, बड़े सुख से थे, सब आनंद से था। कितने में एक राक्षसी वहां आई जी। ये राक्षसी जो थी इसका नाम था शूर्पणखा जी। और ये रावण की बहन थी जी। और वे आई और आने के बाद
उसने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, राम के सौंदर्य पर वो मोहित हो गई। एकदम उसका मन में जो काम भावना थी वो जागृत हो गई। आज की भाषा में कहें वो दिल दे बैठी कि ये राम जैसा सुंदर युवा यही मेरा पति होना चाहिए। और बिल्कुल उसका तो वो लट्टू हो गई और उसने आके अपनी बातचीत प्रारंभ की। तो ये शूर्पणखा का आना ही एक बहुत बड़ी घटना थी। शूर्पणखा जो ये दिखने में कैसी थी? राम जी तो सुंदर व्यक्तित्व था उनका, हर तरह से सुंदर कह सकते हैं, व्यवहार में भी और दिखने में भी। ये शूर्पणखा कैसी थी दिखने में? तो तुम ये प्रश्न पूछ रही हो इस विचार से पूछ रही हो कि दोनों का जोड़ी कैसे बनती, दोनों का मेल कैसा। लेकिन देखिए ये इन दोनों की जोड़ी का तो ये दोनों एकदम विरोधाभास थे। अंग्रेजी में कहें तो स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल हर हिसाब से दोनों अलग थे। मुख, राम का मुख अत्यंत सुंदर, शूर्पणखा का भद्दा कुरूप, आंखें राम की बड़ी बड़ी आंखें जो कि मोहित कर लें, एकदम मोह लें व्यक्ति को। आदमी केवल उन आंखों की तरफ देख ले तो उनके अपना दिल खो बैठे। और शूर्पणखा की आंखें भयानक डरावनी, केश राम के मुलायम चिकने केश और इसके तांबे जैसे लाल खतरनाक दिखने वाले। रूप राम का बड़ा मोहक और शूर्पणखा का विभत्स विकराल। अगर हम बात करें शरीर में नीचे आए, कमर और पेट की बात करें तो राम की पतली कमर, बिल्कुल पेट बिल्कुल सपाट और इसका मध्य क्षेत्र बहुत विशाल, पेट लंबा बाहर निकला हुआ, गोलमटोल लंबा बाहर निकला हुआ बेडॉल। अगर अपन बात करें दिखने में जो एक छवि बनती है जी। तो राम को देखते एक सौम्यता की छवि बनी जी। ऐसी व्यक्ति जो कि नित्य नूतन है, तरुण है, आयु भी ज़्यादा नहीं थी जी। हम देखते हैं लगभग 27 वर्ष के होंगे, 27-28 वर्ष के, नित्य नूतन तरुण, बिल्कुल रोज नया हो जाता है रूप जिसका वैसा जी। और उनका रूप देखते ही ऐसे लगे महाक्रूर लगे, पता नहीं कितनी बूढ़ी है ये औरत, बुढ़िया लगे, क्रूर लगे। बातचीत में राम की बातचीत में सरलता उदारता जी। और इसकी बातचीत में कुटिलता, व्यवहार में जी। राम न्यायोचित सदाचारी सत्य का मार्ग पालन करने वाले जी। और ये दुराचारी जो देखने के बाद भाव आता है जी। राम को देखते ही हर व्यक्ति उनसे प्यार करने लगता था जी। और इसके मन में इसको देखने के बाद मन में घृणा का भाव आया, कैसी औरत चली आ रही है, ऐसा भाव। अब तुम कहोगे कि ऐसा स्थिति होने के बाद ये इस स्त्री को इसमें आगे इसने कुछ सोचा नहीं, ऐसे ये तो उसके साथ कोई मेल ही नहीं जम रहा था। लेकिन बात वो नहीं है जी। कि जब कोई शक्तिशाली होता है जी। तो उसे लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और उसे लगता है कि मैं जिसको चाहूं उसको पा लेना मेरा अधिकार है। ये जो मानसिकता है कि मैं जिसे चाहूं उसको जैसे चाहूं ले सकता हूं, यही मानसिकता बाद में हमें रावण में दिखाई देती है जो शूर्पणखा का भाई है जी। कि मुझे सीता सुंदर लगती है इसलिए मैंने ले लिया, उठा लिया, ये तो मेरा अधिकार था, मेरा शक्ति है तो मैं करूंगा ही जी। माइट इज राइट, शक्ति ही सब कुछ है, यही भाव शूर्पणखा के मन में भी था और हम बाद में देखेंगे रावण के मन में भी था।
जहाँ एक स्त्री एक पुरुष के बारे में ऐसा सोच रही थी जी। और वहाँ एक पुरुष एक स्त्री के बारे में, मानसिकता एक ही है कि क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ इसलिए मुझे ये पसंद आ गया तो मेरे को तो लेने का अधिकार है। इन लोगों में वार्तालाप कैसे प्रारंभ हुई, किसने शुरुआत की बातचीत करना? हाँ। शूर्पणखा ने पहले राम से पूछा, वो आई थी जी। उसने पूछा तुम लोग कौन हो, ये राक्षसों के क्षेत्र में कैसे आ गए हो जी। ये तो हम राक्षसों का क्षेत्र है जी। तुम दिखने में दोनों तपस्वी दिखते हो जी। और साथ में धनुष बाण भी रखे हो, तलवार भी रखे हो, ये क्या है जी। और साथ में तुम्हारे एक स्त्री भी है, ये क्या मामला है? अब राम बड़े सरल जी। बड़ी सरलता से समझाने लगे कि तुमने एक राजा का नाम सुना होगा, बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं महाराज दशरथ, मैं उनका पुत्र अग्रज पुत्र हूँ, बड़ा पुत्र हूँ, और ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है, और ये मेरी पत्नी सीता है, ये इसके ये जनक की राजकुमारी हैं, इनके माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, ये वहाँ जनकपुर की राजकुमारी हैं, हमारा विवाह हुआ है, ऐसे मैं सब बता रहा। और बताने के बाद बड़े सरलता से, कोई मन में दुर्भाव नहीं कुछ नहीं, और कहा कि सारी बात के बाद बताया कि आप कौन हो जी। अपना भी परिचय दो, हमने अपना परिचय दिया जी। तो उसका भी परिचय पूछा कि आप अपना परिचय मुझे दीजिए जी। तो शूर्पणखा ने अपना परिचय किस तरह से दिया? शूर्पणखा ने भी कहा जी। कि मेरा नाम शूर्पणखा है जी। मैं एक राक्षसी हूं और मुझ में ये शक्ति है कि मैं इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती हूं। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करते हुए जहां भी विचरती हूं सब प्राणियों के मन में भय भर देती हूं, मेरा बड़ा आतंक है। देखिए राक्षसों की ये मानसिकता होती है। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मेरा टेरर चलता है, नाम चलता है मेरा, मेरे नाम से सब डरते हैं। तो उसने कहा मेरा, मैं सब जगह भय पैदा करती हूँ, और मेरे भाई के बारे में तुमने सुना होगा जी। वो बहुत वीर है, उसका नाम है रावण, और हम सब मुनि विश्रवा की संतान है, एक मुनि की संतान राक्षस। रावण बहुत प्रतापी राजा है, हमारा मेरा दूसरा जो भाई है वह कुंभकर्ण है, वह भी बहुत वीर है लेकिन कुछ सोता ज़्यादा रहता है, उसके बारे में सुना होगा सोता रहता जी। तीसरा भाई जो है वह विभीषण है लेकिन उसमें राक्षसों जैसी कोई वृत्ति नहीं है, बिल्कुल बेकार है, वो तो धर्म के कामों में लगा रहता है, धर्मात्मा है। चौथा भाई खर है और पांचवा भाई दूषण है, और ये तीनों जो बाद के भाई हैं विभीषण खर दूषण, इन तीनों से बल में मैं कहीं ज्यादा हूं, मैं अपनी इच्छा से अपनी शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूं, मुझ में इतनी शक्ति है, मैं बहुत बलवान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, और यह मेरा परिचय है। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि शूर्पणखा राम पे दिल दे बैठी थी, तो उन्होंने अपनी जाहिर कैसे की अपनी अंदर की बात? देखिए उसमें इतना संकोच की कोई बात नहीं थी, शूर्पणखा ने जी बहुत स्पष्ट बात कही जी। कहा कि आदमी तुमने जो मुझे अपना नाम राम बताया जी, मैं यहां से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा जी, और देखकर मैं तुम पर मोहित हो गई, तुम्हें देख के जी मेरे मन में कामेच्छा जागृत हो गई है, तुम ये जो इसके साथ घूम रहे हो ना, ये जो तुम्हारी पत्नी है सीता जी, ये तुम्हारे बिल्कुल योग्य नहीं है, ये तो एक ओछी औरत है,
सब विकार हैं इसमें, इसका चेहरा भी विकृत है, इसका पेट देखो कैसा पतला सा, इसके पेट धसा हुआ है, इसके चेहरा विकृत है, ये तो और मानवी है, मेरे जैसे राक्षसी नहीं है, ये तुम्हारे योग्य कतई नहीं है। तुम मेरा वरण कर लो, मुझे अपनी पत्नी बना लो, और उसके बाद मैं ये तुम्हारी इस बूढ़ी सी दिखने वाली, कमजोर दिखने वाली जो तुम्हारी ये पत्नी सीता है, इसको और तुम्हारे इस भाई को खा जाऊंगी, और उसके बाद हम बड़े सुख से सब लोकों में विचरण करेंगे, तुम मेरे साथ ऐश करना, बस तुम मुझे अपनी पत्नी बना। राम जी तो बहुत क्रोधित हुए होंगे, क्या प्रतिक्रिया थी राम जी की? नहीं, देखो राम की प्रतिक्रिया, तुमने कहा क्रोधित हुए होंगे जी, नहीं, वो बहुत जोर से हंसने लगे, हंस दिए। हंसी का मतलब ही होता है नकारात्मक, कि मुझे स्वीकार नहीं है। अब राम की वो समस्या थी जी। उस काल में यह एक प्रचलित बात थी, स्वीकार थी, धर्मानुकूल थी, कि यदि कोई अविवाहित स्त्री किसी पुरुष से, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, जाके यदि ये कहती है कि मुझे स्त्री के रूप में स्वीकार, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, या तुम मेरे पति बन जाओ, तो पति बनने का जिसको प्रस्ताव दिया जाए, जिस पुरुष को, पुरुष को साधारणता ना कहने का अधिकार नहीं होता, उसको हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि स्त्री ने उसका वरण कर लिया है तो होगा ही। हाँ, ये है कि जीवन में स्त्री केवल एक बार कर सकती है, बार बार नहीं कर सकती। अब ये तो दुराचारी थी, पता नहीं इसके पहले कितने पति हुए हों, फिर भी राम के मन में एक और दुविधा थी जी। कि एक स्त्री है ना, वो उसको मुंह पे कह सकते थे कि तू बद्दी है जी। ना कह सकते थे तू मोटी है, ना कुरूप है, कुछ नहीं कह सकते थे जी। और ना भी नहीं कह सकते थे जी। अब क्या करें, विवाह भी नहीं कर रहे हैं उनको जी। तो खूब जोर के हंसे, उन्होंने बात को हंसी मजाक में टालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा कि अरे देखो तुम, देखो मैं तो पहले से विवाहित हूँ, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है जी। अब तुम जैसी शक्तिशाली एक बलवान स्त्री जी, एक सौत के साथ रहना तो पसंद नहीं करोगी जी। ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे साथ ये मेरा भाई है, देखो कितना मोहक है, कितना सुंदर है, इसमें सर्वगुण संपन्न है ये जी। और इसके साथ इसकी पत्नी भी नहीं है, तो अगर ये स्वीकार करे तो तुम इसी को चुन लो। अब राम एक मजाक कर रहे थे, टाल रहे थे बात को जी। और अगर ये एक संस्कारवान स्त्री होती जी, जिसने एक बार एक पुरुष का वरण कर लिया, मन से चाह लिया कि ये मेरा पति है, तो ऐसे रिडायरेक्ट नहीं होती जी। कि दूसरी तरफ चले जाए, लेकिन ये तो ऐसी नहीं थी। तो राम जी ने जब सुझाव दिया कि मेरे भाई को ये के सामने ये प्रस्ताव रखो, तो ये वाकई में फिर लक्ष्मण जी के पास चली गई। हाँ इसने देखा लक्ष्मण को, बोला हाँ तुम, ये भी तो बड़ा सुंदर, तू नहीं तो ये चलेगा, और उसके पास गई जी। और बोली कि हाँ तू भी बहुत सुंदर है, तू भी बहुत मोहक है जी। तो बड़े भाई को छोड़, तुम मुझे अपना अपनी पत्नी बना ले। मतलब एक क्षण पहले एक भाई से अपने प्रेम का इजहार कर रही थी जी। और दूसरे क्षण दूसरे भाई के पास पहुंच गई, ये एक चली गई, कहने लगी कि आप तो बस मेरे को कर लो, और हम ऐसे ऐश करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे मजे करेंगे, करने लग गई। लक्ष्मण जी ने फिर ये सुझाव स्वीकार तो नहीं किया होगा, तो उन्होंने कैसे फिर टाला? अब लक्ष्मण भी समझ रहे थे कि मेरे भाई ने मेरे साथ मजाक किया, हंसते हंसते मजाक कर रहे हैं, वो भी हंस रहे जी। तो ये भी हंसने लगे जी।
हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा, देखो तुम तो महान हो, तुम इतनी सुंदरी हो जी, तुम सर्वगुण संपन्न हो, इतने सारे तुम में गुण हैं, अब मेरी स्थिति से देख लो, मैं तो इनका दास हूँ, जैसा ये कहते हैं मैं करता हूँ, मेरी स्वतंत्र कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो इनका दास हूँ, और तुम मेरे से विवाह करोगे तुम्हें भी दासी बन के रहना पड़ेगा। अब तुम दासी बनने को थोड़ी तैयार होगी, वो भी टाल रहे थे कि तुम दासी बनने को थोड़ी तैयार हो जाओगी, तुम तो मेरी तरफ मत आओ, जिधर तुम पहले गई थी वहीं रहो, ये बड़े गुणवान हैं, सब ऐश्वर्य इनके पास हैं, इनके पास ये तो गुणों की खान है, मुझे जैसे दास के पास क्यों आ रही हो तुम। तो ये करके हंसते हुए मजाक करते हुए उन्होंने वापस गेंद को राम जी के पाले में डाल दिया कि उधर जाओ तुम। दोनों भाई बहुत चतुर थे स्थिति से निपटने के, चतुराई तो थी लेकिन उन्होंने एक बार भी उसको नहीं कहा कि तुम भद्दी हो, क्रूप हो, मोटी हो, भाग जाओ, नहीं, वो उस स्थिति को टालना चाहते थे सम्मान पूर्वक, पूरा सम्मान रखते हुए, इसका दिल दुखाए बिना इसको सम्मान पूर्वक कि भाई तुम यहाँ से चली जाओ। दोनों भाई परिहास कर रहे थे तो शूरपुरनखा ने फिर क्या कहा, वो फिर से राम जी के पास गई। हाँ, वो बॉल वापस चली गई, वो वापस राम के पास चली गई, और इस बार उसने राम से कहा कि मैं तो तुम्हारे पास आ गई हूँ और तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने में कुल मिला के तुम्हें दिक्कत जो है वो तो इसके कारण है ना, ये जो बूढ़ी बैठी है, ये जो बदसूरत पतले पेट वाली सीता बैठी है, मैं अभी तुम दोनों भाइयों के सामने इसको खा जाती हूँ, फिर तो समस्या ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम मेरे से विवाह कर ही लोगे। और ये कह के देखते देखते वो जो थी सीता के ऊपर झपट पड़ी कि मैं अभी सीता को मार के खा जाऊंगी। अब ये तो इतना अनपेक्षित था कि सीता पे ऐसा संकट आ जाएगा कि सीता की तो ये प्राण हरने के लिए तैयार है राक्षसी, और एकदम कूद पड़ी उस पर। जैसे ये कूदी, राम एकदम कूदे और इन्होंने इसको रोका, बिल्कुल किसी तरह बचाया। आक्रमण के बाद दोनों भाइयों ने क्या किया शूर्पणखा के साथ? अब अभी तक हास परिहास चल रहा था जी। अभी तक सम्मान की बात चल रही थी जी। स्त्री के सम्मान की बात चल रही थी जी। लेकिन अब उसने एक अपराध कर दिया था जी। और ऐसा अपराध जो कि हत्या का अपराध था जी। राम की पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले को तो हत्या का दंड के बदले तो मृत्यु दंड देना चाहिए जी। लेकिन राम फिर मजबूर थे, मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे क्योंकि स्त्री थी। राम ने पहले ताट का वध किया था, तुम्हें याद होगा। हाँ, वो मुझे याद आ रहा था फिर। हाँ, वो एक स्त्री का वध किया था जी। वो एक ऋषि के कहने पे समाज के कल्याण के लिए, पूरे व्यापक समाज के लिए, यहाँ केवल एक उनकी पत्नी पे आक्रमण हुआ था जी। यहाँ पर मृत्यु दंड का निर्णय राम नहीं ले पा रहे थे जी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ऐसे राक्षसों के साथ जो जिनमें न सभ्यता है न संस्कृति है, ऐसे लोगों के साथ हास परिहास करना गलत होता है, ये हास परिहास नहीं समझते, इनके साथ हास परिहास नहीं करना चाहिए था हमें, हम तो परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और ये तो गंभीर स्थिति निर्मित हो गई, पर इसे दंड देना पड़ेगा। इस मोटी कुरूप विभत्स औरत को दंड दो और इसका कोई अंग काट दो, इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे पर इसका कोई अंग काटो ताकि इसको उसका दंड मिले। देखिए, राम ने, बहुत से लोग कहते हैं कि शूर्पणखा ने राम को शादी के लिए कहा तो राम ने उसके आग काट दिया, नहीं ऐसा नहीं,
यहाँ पर केवल उसने सीता पे आक्रमण किया था तो इसलिए राम ने आदेश दिया। और देखते देखते लक्ष्मण ने तलवार निकाली, उसके नाक और कान काटे। जैसे नाक कान काटे तो उसके खून के फव्वारे से वो नहा गई और पीड़ा से चीखती हुई वन में भाग गई। हमने तो यही सुना अभी तक और देखा भी, जो सीरियल वगैरह बने उसमें रामायण के पर आधारित सीरियल बने, कि राम जी को उन्होंने शादी का प्रस्ताव दिया और वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे देखिए कथे राम, जब तक इस कथा को विस्तार में नहीं सुनेंगे हम नहीं समझेंगे कि राम स्त्री के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, किस सम्मान भाव से उन्होंने शूर्पणखा को किया। देखो शुरू से लेके जब तक उसने सीता पे आक्रमण नहीं किया था उन्होंने उसको ना मोटी कहा, ना कुरूप कहा, ना भद्दा कहा, विभत्स कुछ नहीं कहा, उसको सम्मान से सम्मान देते रहे। लेकिन जब वो हत्यारिन बन गई जी, तब उन्होंने उसे दंड दिया जी। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।